हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। देश में कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार फैलता जा रहा है, लोग परेशान हैं। तो वहीं इसी बीच हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध हो रहा है। कोरोना संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया था, जो अब धीरे धीरे खुल रहा है। इस बीच हरियाणा में स्कूल कॉलेज भी खुलने वाले हैं। हरियाणा सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। राज्य में जुलाई से ही स्कूल खोले जाने की तैयारी कर ली गई है। सरकार ने ये भी बता दिया है कि लॉकडाउन के बाद स्कूल किस तरह से खोले जाएंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। फतेहाबाद में अभिभावकों ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने इसको लेकर सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें अभिभावकों ने स्कूल ना खोलने की गुहार लगाई है। अभिभावकों का कहना है कि जब तक कोरोना का कहर शांत नहीं हो जाता, तब तक स्कूल ना खोले जाएं। जो है हमारी जिला जो पेरेंट्स जो एसोसिएशन है, उन्होंने मिलकर जो एक ज्ञापन दिया है डीसी साहब को, और अभी जो एमएलए साहब को भी ज्ञापन देने जा रहे हैं, और एमपी साहब है उनको भी जो है ज्ञापन दिया जा रहा है कि जो प्राइवेट स्कूल के द्वारा फीस में वृद्धि की जा रही है, और जो कि लॉकडाउन के दौरान जो इतने अभी कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया है, उसके बावजूद भी वो फीस के लिए दबाव डाल रहे हैं पेरेंट्स पे, उसके लिए जो सभी एसोसिएशन के मेंबर्स ने मिलकर जो है ज्ञापन दिया है। प्लस में वो जो है स्कूल खोलने के लिए जा रहे हैं, जबकि किसी भी पूरे भारतवर्ष के अंदर अपितु पूरे विश्व के अंदर भी अभी तक कोई स्कूल अभी ओपन नहीं हो रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा खतरा है। और जितने हमारे पेरेंट्स हैं उन सबके लिए, उनके बच्चों के लिए टेस्ट किट बनने जा रहे हैं ये बच्चे, अगर ये स्कूल खुलते हैं, और ये बहुत बड़ी महामारी फैल सकती है, और कोई भी किसी भी परिवार के अंदर जो है बहुत बड़ा खतरा इससे मंडरा सकता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं सब लोग इकट्ठा होकर, कि स्कूल ना खोले जाएं, जो कि बहुत ही जरूरी कदम है, क्योंकि दिन ब दिन केस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जो ज्ञापन दिया गया है, तो आज सभी लोग हम लोग इकट्ठा हुए हैं इसी पर्पज। अभिभावकों ने प्राइवेट स्कूल संचालकों पर भी मनमानी के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्कूल संचालक फीस देने का दबाव बना रहे हैं। ज्ञापन में सरकार से इस मामले में भी दखल देने की बात की गई है। मामला ये है कि सरकार की हिदायतें ये अभी से नहीं मान रहे हैं। सरकार ने कहा था इस 3 महीनों के अंदर मार्च अप्रैल और मई की फीस के लिए अभिभावकों को तंग नहीं करना है, जबकि ये सबको फोन कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं फीस के लिए। और जो फॉर्म 6 है उसकी हिदायतें ये कितने की मान रहे हैं वो सबको पता है। फीस ना बढ़ाने का भी कोविड-19 के अंतर्गत था, भाई अभी फीस नहीं बढ़ा सकते, इन्होंने अपनी फीसें भी बढ़ाई है। और डेवलपमेंट चार्ज और एनुअल चार्ज के नाम पे ये जो अभिभावकों को लूट रहे हैं, ये लूट बंद होनी चाहिए। आपकी मांग क्या है जी? हमारी मांग ये है कि फार्म 6 के अंतर्गत जो हिदायतें हैं वो पूरी की पूरी माने, और नो स्कूल नो फीस, और ये जब तक कोविड चल रहा है नहीं खुलने चाहिए स्कूल। हरियाणा न्यूज से बातचीत में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा विभाग के प्लान के बारे में बताया था। सरकार जुलाई से स्कूल खोलने जा रही है, जबकि कॉलेज और विश्वविद्यालय अगस्त से शुरू होंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्री ने का निर्णय है कि अब स्कूल खोल सकते हैं, और सारे देश में इस प्रकार की गाइडलाइन दी गई है कि हर स्टेट अपने हिसाब से अपना निर्णय लेगा और अपने स्कूल खोल लेगा, उस जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से स्कूल खोल ले। तो हमने कल ही बैठक की थी इसके मामले में, और कल ही हमने निर्णय लिया कि हम पहले जो 10वीं क्लास है, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन क्लासों की शुरुआत करेंगे हम जल्दी, और उसके बाद हम फिर 6ठी से लेके 9th क्लास तक के क्लासेस शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर हम 1ली से लेके 5वीं तक की क्लासेस हम शुरू करेंगे। उसमें हमने एक निर्णय और भी लिया कि किस प्रकार से क्लास लगेगी, तो उसमें हमने विचार किया कि 50% बच्चे एक टाइम में आएंगे, और 50% बच्चे फिर अगले दिन आएंगे, और दूसरा हमारा सोच ये है कि 50% बच्चे सुबह के टाइम आएंगे, 50% बच्चे शाम के टाइम। दरअसल लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में पिछले 2 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद हैं। हालांकि बीच में बच्चों की पढ़ाई को ज्यादा नुकसान न हो इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की गई थी, लेकिन सरकार का ये प्लान सफल नहीं हो पाया था।
अब एक बार फिर से सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन कोरोना का डर कहिए या फिर जागरूकता, अभिभावक इस फैसले के विरोध में उतर आए हैं। कारण बस एक ही, बच्चों की सुरक्षा। हरियाणा न्यूज के लिए फतेहाबाद से साहिल की रिपोर्ट।